हेलो एंड वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बेटा इस वीडियो में हम एमसीक्यू की सीरीज़ करेंगे हेलो एल्केन पे, ठीक है। तो इससे पहले के पांच वीडियोस बना दिए हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले उन पांच वीडियोस को चेक करो और उसके बाद इस वाले वीडियो के साथ कंटिन्यू करो, ठीक है। तो चलो एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल नॉट कन्वर्ट इथाइल एल्कोहल टू इथाइल क्लोराइड। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा रिएजेंट इथाइल एल्कोहल को इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट नहीं करता है, ठीक है। चलो देखो, आपने पढ़ा था कि PCl5 भी कन्वर्ट करता है, हाँ जी करता है, NaCl नहीं करता, SOCl2 भी करता है और HClZnCl2 भी करता है, ठीक है। हमने इसमें हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, कि ये सारे के सारे करते हैं, ठीक है, इथाइल एल्कोहल को, मतलब अल्कोहल को क्लोराइड में या फिर हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन NaCl हमने नहीं पढ़ा था, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या है बी? पूछा था कि इनमें से कौन सा इथाइल अल्कोहल को इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट नहीं करता, तो NaCl कन्वर्ट नहीं करता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला है, द कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू एन एल्कीन बाई एल्कोहलिक के ओ एच इज क्लासीफाइड एज। देखो क्या है, हमारे पास इथाइल एल्कोहल है, क्या है, कन्वर्जन ऑफ इथाइल हैलाइड, सॉरी इथाइल हैलाइड है। सपोज उसमें हम ये मान लेते हैं, ये है हमारे पास इथाइल हैलाइड, में भी हमने हेलो इथेन ले लिया, ठीक है, ये हमने हेलो इथेन ले लिया। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक के ओ एच का यूज़ करके हमें कन्वर्ट करना है इसमें इथीन में। किसमें कन्वर्ट करना है बेटे, इथीन में, ठीक है। इथीन में कैसे कन्वर्ट होगा, जब यहाँ का एच हट जाएगा और यहाँ का एक्स हट जाएगा तब जाके इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड खाली हो जाएंगे। तो ये जो रिएक्शन है वो किस प्रकार की है बेटे, इसमें हाइड्रोजन भी हट रहा है, हेलोजन भी हट रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं रहा है इसमें, कुछ चीज़ ऐड नहीं हो रही, एडिशन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर रही, एडिशन भी नहीं हो रहा, डिहाइड्रेशन खाली वाटर का मॉलिक्यूल नहीं निकल रहा, तो ये किस प्रकार का रिएक्शन है, डिहाइड्रो और हैलोजिनेशन, दोनों चीज़ें हो रही है बेटे, हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है और हैलोजन भी रिमूव हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन कैसी है, ये है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सी एटम मार्क विद एस्ट्रिक इज कायरल। देखो कायरल कार्बन कौन होता है, कायरल कार्बन वो कार्बन होगा जिसमें जो कार्बन है उसके जो चारों वैलेंसीज हैं डिफरेंट उनसे सेटिस्फाइड, ठीक है। तो चेक करते हैं, यहाँ पे पहला कार्बन देखेंगे तो इसमें चारों की चारों वैलेंसीज अलग अलग एटम से सेटिस्फाइड हो रही, यहाँ पे भी चारों के चारों अलग अलग एटम से सेटिस्फाइड हो रही, यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी चारों के चारों क्या हैं, अलग अलग। अच्छा लास्ट वाले में देखेंगे तो लास्ट वाले में तीन तो अलग हैं लेकिन ये दो क्या हैं, सिमिलर हैं। तो इसका मतलब कायरल कार्बन कौन कौन सा हो गया, एक ये हो गया कायरल, एक ये हो गया कायरल, एक ये हो गया कायरल, मतलब 1 2 3 ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों कायरल कार्बन से, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा हमारा, आंसर ए 1 2 3, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों कार्बन्स कैसे हैं, कायरल। तो ध्यान रखना कायरल कार्बन्स कौन से होते हैं, कायरल कार्बन्स वो होते हैं जिसमें कार्बन के जो चारों बॉन्ड होते हैं वो डिफरेंट वैलेंसीज से या डिफरेंट एटम से सेटिस्फाई हो रहे हो, ठीक है, उन्हें कहते हैं कायरल कार्बन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन इज इन, ठीक है। देखो इन्वर्जन किस में होता है, देखो आपने SN1 भी पढ़ा था, SN2 भी पढ़ा था। SN1 क्या होता है, ये होता है एक स्टेप में होता है, सॉरी ये दो स्टेप में होता है और ये होता है वन स्टेप में। इसमें क्या होता है, इसमें पहले कार्बोकैटाइन बनता है लेकिन इसमें क्या बनता है, इसमें इंटरमीडिएट बनता है, क्या बनता है बेटे, इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसमें ऐसा होगा कि इस वाले हेलो एल्केन में क्या होगा कि ये यहाँ से टूट के जाएगा
और इसकी जगह पे आके दूसरा लग जाएगा। लेकिन इस वाले में क्या होगा, इस वाले में कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो नया न्यूक्लियोफाइल है, जो नया न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे जो नया न्यूक्लियोफाइल है ये दूसरी साइड से आके अटैक करेगा। किस साइड से आके अटैक करेगा बेटे, ये दूसरी साइड से आके अटैक करेगा। एक न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पे लगा होगा और एक न्यूक्लियोफाइल जो आएगा ये दूसरी साइड से आके अटैक करेगा इसमें, जिसकी वजह से जो क्या होगा कि जो ये कंपाउंड है ये क्या होगा, ये इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट होने का मतलब होता है कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट होगा उसमें न्यूक्लियोफाइल इस साइड में होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल इस साइड में लगेगा। ठीक है, रिएक्टेंट में न्यूक्लियोफाइल इधर था और प्रोडक्ट में दूसरी साइड से जाके लग जाएगा। ठीक है, तो किस वाले में होता है इन्वर्जन, कौन से कॉन्फिग्रेशन में होता है, किस में होता है, ये होता है SN2 में होता है। किस में होता है बेटे, SN2 वाले में होता है इन्वर्जन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और SN1 में नहीं होता है इन्वर्जन, SN2 में होता है। और इस इन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, वाल्डेन इन्वर्जन। क्या कहते हैं, वाल्डेन इन्वर्जन कहते हैं बेटा, याद रखना, नाम जरूर याद रखना, वाल्डेन इन्वर्जन कहते हैं इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द क्लास ऑफ द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, मतलब LiAlH4 एंड एल्काइल हैलाइड रिएक्शन। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन, क्या है, हेलो एल्केन। इसका हम, इसको हम मिलाते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या है बेटा, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है बेटे, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो कि क्या करता है, इस हेलो एल्केन को रिड्यूस कर देता है। किस चीज में रिड्यूस कर देता है, किस में, एल्केन में, किसमें, या फिर किसमें रिड्यूस कर देता है, ये रिड्यूस करता है हाइड्रोकार्बन में। किसमें रिड्यूस कर देता है, हाइड्रोकार्बन। तो यही पूछा है कि जो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, व्हाट इज द क्लास ऑफ द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरीके का प्रोडक्ट होगा। तो ध्यान रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करके क्या बनाएगा, हेलो नहीं सॉरी ये तो नहीं, ठीक है, क्या बनाएगा, ये इसका रिडक्शन करके बना देगा क्या, हाइड्रोकार्बन बना देगा। ठीक है, क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन बना देगा। तो याद रखना कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो नई वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ, इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक बने रहिए ज्वलपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय।